जनजातीय वर्ग में अनुवांशिकता के कारण सिकल सेल की बीमारी पनप रही है, परंतु यह बीमारी होने पर घबराए नहीं, इसका इलाज संभव है। इस बीमारी का इलाज एलोपैथी सहित होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद में भी उपलब्ध है। जनजातीय वर्ग के ग्रामीणजनों को बस जागरूक होकर इस बीमारी से लड़ना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बात कही। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के लोग अनिवार्य रूप से ग्राम के स्वास्थ्य केंद्र पर लगने वाली शिविर स्थल पर अपना सिकल सेल टेस्ट जरूर कराएं। गर्भवती माता सिकल सेल पॉजिटिव है तो उसे अपने बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे का सिकल सेल टेस्ट कराना चाहिए। अगर बच्चा भी पॉजिटिव आता है तो बच्चे के खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही उपचार एवं उचित खान पान से इस बीमारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने भी बरेली भाषा में ग्रामीणों को सिकल सेल के बारे में लक्षण एवं उसके उपचार के बारे में बताया है। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि बीमारी होने पर उसे छुपाए नहीं बताए, जिससे कि सही समय पर उनका उपचार हो सके। कार्यक्रम के दौरान विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर डिंडोरी जिले से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी अतिथियों द्वारा देखा एवं सुना गया है। मेरा नाम राजेश वास्कले, ग्राम पंचायत लोंसरा सरपंच है। आज जो है मलवानी विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रोत्साहित किया गया और पुस्तक भी किया गया, क्या है पूरा? इसमें हमें ग्राम पंचायत लोंसरा को पुस्तक किया गया, जिसमें हमने पंचायत की टीम और स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ मिलकर ग्राम पंचायत लोंसरा में 100% सिकल सेल्स का टेस्ट किया था, जिसमें लोंसरा पंचायत को जिले में नंबर 1 पर पुस्तक किया गया है 100% टेस्ट करने में। आपके कार्यकाल में और भी शासन की योजना है, स्वास्थ्य शिक्षा, उसके भी आप जो है प्रगति करेंगे? जी हाँ, उस पर भी चल रही शिक्षा पे, हमारे यहाँ सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे यहाँ, और सभी पालकों को भी हम हमारे संपर्क में जिन जो इस ऐसे सहयोग करते हैं, ग्राम पंचायत की जनता भी हमारा सहयोग करती है ऐसे कार्यों में। अच्छा, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल माकूल व्यवस्था? जी हाँ, सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा और टीकाकरण और सभी पोषण आहार आंगनबाड़ियों से प्राप्त करवाया जाता है उनको। आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज डिंडोरी से सिकल सेल एनीमिया के संबंध में ये जो शिविरों के आयोजन किए हैं, इसका ये सीधा प्रसारण था। मध्य प्रदेश को हो, गुजरात को हो, जहाँ जहाँ हमारे ट्राइबल राज्य है, वहाँ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक विशेष योजना प्रारंभ की है पिछले समय से, ताकि बहुत से लोगों के इसमें सिकल सेल की शिकायत है, इसकी सघन जांच होकर इनको कार्ड दिए जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में एक सघन रूप से ये अभियान चल रहा है। और यहाँ पर हमारे ज़िले में 2200 से अधिक इससे पीड़ित लोग पाए गए हैं और जगह जगह शिविर के आयोजन हो रहे हैं और इसको एक सघन रूप में इस अभियान को लिया है। मुझे भी देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मेरी भी वही जवाबदारी है कि हम संपूर्ण देश के अंदर हमारे आदिवासी लोगों की मतलब भलाई के लिए हम काम करें, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनके ऊपर कहीं अन्याय अत्याचार ना हो, ये देख रेख होने की जवाबदारी मेरी भी है। और मेरे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी इंगले जी और हमारे राज्यसभा के सदस्य सुमेर सोलंके जी, अन्य पदाधिकारी मौजूद है, और मैं मीडिया से भी अपेक्षा करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रचारित करें। आदिवासी समाज से क्या अपील करते हैं आपके जिस तरीके से? नहीं, हम तो यही है, मैंने तो यहाँ पर भी समाज के सभी वर्ग से कि भाई इसकी हर जगहों पे हमारे हॉस्पिटल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, हर ब्लास्ट स्तर पे ये सुविधा है,
हम सभी आदिवासी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि हमारा